वेलकम ऑल। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे सिग्नल ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म। तो पहले ये जान लेते कि ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म होती क्या है। ट्रांजैक्शन मतलब एक ऐसा पाथवे रहता है जहाँ से सिग्नल का ट्रांसफर हो जाएगा और हमें वो एक्शन मिलेगी। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ये सपोज ये ड्रग है, राइट, और ये रिसेप्टर है। अब ये ड्रग क्या करेगा, यहाँ पर जाकर ऐसे अटैच होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये अटैच हुआ। अब इसके बाद ये जो रिसेप्टर है, एक कोई तो एक्शन देगा। मतलब ये क्या हुआ, एक एक प्रकार की ये सिग्नल ट्रांजेक्शन मैकेनिज्म हुई। मतलब इट इज अ प्रोसेस बिटवीन ड्रग बाइंडिंग टू द रिसेप्टर एंड गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसेप्टर, राइट। ये जो इन बिटवीन प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, सिग्नल ट्रांजेक्शन मैकेनिज्म, राइट। ये पांच टाइप्स की होती है। सबसे पहली थी पहली होती है वो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, सेकेंड है आयन चैनल, थर्ड ट्रांस मेम्ब्रेन लिंक रिसेप्टर, फोर्थ ट्रांस मेम्ब्रेन लिंक जैकस्टैट रिसेप्टर, और फिफ्थ है रिसेप्टर रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ओके, तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम जीपीसीआर के बारे में ही जान देंगे। तो पहला है जीपीसीआर, दैट इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम में देखिए, ये एक टाइप का एक सेल है। सेल की जो इनर साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा सेल्यूलर साइड, और जो बाहर की है उसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइट, और जो अंदर है उसे हम क्या कहेंगे, साइटोसोल। ओके, तो ये देखिए ये हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। ओके, ये ओनली यूकैरियोटिक सेल्स में रहता है, और दूसरी बात ये लार्जेस्ट फैमिली है रिसेप्टर में से। ओके, और ये सेल के सरफेस पे ही प्रेजेंट रहता है। ओके, ये 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन से बना होता है, जिसमें से डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोफोबिक एमाइनो एसिड्स होते हैं। ओके, जो कि 3 एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइट में होते हैं और 3 इंट्रा सेल्यूलर साइट की में होते हैं, उनकी सेगमेंट्स होती है। ओके, तो इसमें कुछ इसके कुछ नाम्स भी है, उसे मेटाट्रोपिक रिसेप्टर भी कहते हैं, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहते हैं, सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं, एंड हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर भी कहते हैं। तो इसमें से सर्पेंटाइन रिसेप्टर है, उसे ये क्वेश्चन जो है वो जीपैट में आ चुका है। ओके, ना अब इसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ही क्यों कहते हैं, वाई जी प्रोटीन। इसकी जो इंट्रा सेल्यूलर साइट है उसमें ना ये जी प्रोटीन नाम का एक प्रोटीन रहता है, राइट। तो इसकी वजह से उसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कहते हैं, जो एक्शन है जी प्रोटीन के रिसेप्टर के थ्रू होती है। अब ये जी प्रोटीन जो है होता है वो ट्राइमरिक फॉर्म में होता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जी अल्फा, जी बीटा, जी गैमा, तो ये जो है वो ट्राइमरिक फॉर्म में हमेशा प्रेजेंट रहता है। ओके, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, जैसे कि इसकी जी प्रोटीन के टाइप्स कौन से हैं। फर्स्ट है जीएस, जो एडिनाइलेज साइक्लेज की एक्शन जो है इंक्रीज करता है और कैल्शियम चैनल को ओपन करता है। ओके, सेकेंड है जीआई, जो एडिनाइलेज साइक्लेज की एक्शन को इनहिबिट करता है और पोटेशियम चैनल को ओपन करता है। बाद में है जीओ, ये क्या करता है, कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट करता है, और जीक्यू जो है वो एक्टिवेट करता है, किसे, फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करता है। ओके, तो इसके मेन 4 टाइप्स हुए, उनकी एक्शन हमने देखा है। ओके, अभी हम नेक्स्ट टाइप में देखेंगे जी प्रोटीन एक्स, मतलब जी प्रोटीन्स कपल रिसेप्टर कैसे एक्ट करता है। उसके 3 मैकेनिज्म्स होते हैं, एक साइक्लिक एएमपी पाथवे, IP3 डायग पाथवे, और थ्रू चैनल रेगुलेशन, राइट। तब ये इसे हमें समझने के लिए, ये जो साइक्लिक एएमपी पाथवे है और IP3 डायग पाथवे है, ये हमेशा जी अल्फा की थ्रू ही हमें एक्शन मिलती है, और जो थ्रू चैनल रेगुलेशन है, मतलब चैनल रेगुलेशन जी मैकेनिज्म है, वो हमेशा जी बीटा और जी गैमा के थ्रू ही हमें मिलती है। ओके, अब हम यहाँ से थोड़ा डिटेल में जानेंगे। अब देखो, जो जी अल्फा होता है वो जीडीपी के फॉर्म में अगर अटैच होगा, जीडीपी को अगर अटैच होगा, तो वो स्टेट कौन सी हो गई, उसे डीएक्टिवेटेड स्टेट कहते हैं। ओके, अब डीएक्टिवेटेड स्टेट है, कोई ड्रग आके रिसेप्टर को बाइंड होगा, तब क्या होगा, गोनाइन एक्सचेंज फैक्टर क्या करेगा, जीडीपी को कन्वर्ट करेगा जीटीपी में। मतलब ये जो स्टेट होगी वो कौन सी स्टेट होगी, एक्टिवेटेड स्टेट हो जाएगी। ओके, इसे हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब ये एक्टिवेटेड स्टेट में होगा वो क्या क्या एक्टिवेट करेगा, एडिनाइलेज साइक्लेज को, मतलब ये साइक्लिक एएमपी पाथवे, और ये फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगा, मतलब वो क्या करेगा, IP3 डायग पाथवे, और ये जी बीटा जी गामा क्या करेंगे, आयन चैनल रेगुलेशन के थ्रू एक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है वो साइक्लिक एएमपी पाथवे है। ओके, यहाँ पर ड्रग आके अटैच हुआ,
अब ये जीडीपी चला जाएगा, और कौन आ जाएगा, ये जीटीपी आ जाएगा। जीटीपी आया, जीटीपी यहां से कहां पर गया, एडिनाइलेज साइक्लेज के पास गया। अभी देखो एडिनाइलेज साइक्लेज क्या करता है, एटीपी का कन्वर्ट, एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में। ओके, अब ये साइक्लिक एएमपी क्या करता है कि फॉस्फेटिल काइनेज को एक्टिवेट करता है। अब इसको एक्टिवेट किया, ओके, तो ये इसको एक्टिवेट करने के बाद ये क्या करेगा, फॉस्फोरिलेट करेगा ट्रोपोनिन को और फॉस्फोलैम्बेन को। अब अगर ट्रोपोनिन को मतलब फॉस्फोरेट किया तो क्या होगा, ये कैल्शियम चैनल लेवल इंक्रीज करेगा और कंट्रैक्शन होगा। वैसे ही फॉस्फोलैम्बेन क्या करेगा, कैल्शियम चैनल की लेवल कम करेगा, उससे क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। ओके, मतलब जो भी प्रोसेस है वो कहाँ पर डिपेंडेंट है, ड्रग आने के बाद। ड्रग आया, ड्रग आने के बाद क्या हुआ, ड्रग आया, ड्रग आने के बाद क्या हुआ, ये प्रोटीन सी काइनेज एक्टिवेट हुआ, तो वो क्या करेगा, प्रोटीन का फॉस्फोरिलेशन करेगा। अब सवाल ये है, ये सीएम और एमएलसी के क्या है। ओके, तो सीएम जो है उसे कहते हैं कालमोडुलिन। ओके, और एमएलसी के जो है उसे कहते हैं, इसका बहुत डिपेंडेंट रोल होता है एमएलसी के काम, राइट। तो इसके क्या कहते हैं, मायोनी मायोसिन लाइट चेन काइनेज। इसका हम रोल कहाँ पर होता है, स्मूथ मसल का कंट्रैक्शन करने में। और जो एमएलसी के है वो डिपेंडेंट किस पे होता है, सीएम पर, यानी कालमोडुलिन पर वो ज्यादा डिपेंडेंट होता है। ओके, अब ये कौन सा है, हमारा IP3 डायरेक्ट पाथवे है, राइट। अब यहाँ पर देखिए, जो पहले था वहां पर था साइक्लिक एएमपी, राइट। ये क्या है, IP3 और डैक, ये जो साइक्लिक एएमपी है, IP3 है, और डैक जो है ये सेकेंडरी मैसेंजर एक्ट करते हैं। सबसे बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ओके, जो कि जीपैट में पूछा जा सकता है। अब ये जो सेकेंड सेकेंडरी मैसेंजर से, और तो थर्ड मैसेंजर कौन है, तो उसका नाम है कैल्शियम। ओके, कैल्शियम सेकेंड मैसेंजर एज वेल एज थर्ड मैसेंजर भी एक्ट करता है। ओके, अब देखो ये हो गई उसकी एक्शन। अब एक्शन होने के पहले क्या हुआ था, जी अल्फा जी बीटा जी गैमा के साथ सेपरेट हो गया था। जी बीटा जी गैमा का रोल मतलब ये तीनों सेपरेट हो चुके थे। अब ये एक्शन हो गई, मतलब एमएलसी के बाद क्या हुआ, कंट्रैक्शन हो गया, प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन हुआ। तो उसके बाद क्या होगा, ये तीनों सब यूनिट जो सेपरेट हुए थे वो वापस एक साथ आएंगे, और जी प्रोटीन जो रिसेप्टर है वो दूसरे एक्शन के लिए रेडी हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेस चलता रहता है हमेशा। अभी देखिए, यही मैं आपको बता रहा था, अभी साइक्लिक एएमपी IP3 एंड डैक ये सेकेंडरी मैसेंजर के एक्ट करते हैं। कैल्शियम चैनल क्या करता है, बोथ सेकेंड एंड थर्ड मैसेंजर का रोल करता है। एक्शन आफ्टर एक्शन ऑफ अल्फा बीटा गामा सब यूनिट्स ये सब साथ में आ जाते हैं, और जी प्रोटीन हमेशा एक्शन देने के लिए रेडी रहता है। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी बात हम क्या करेंगे,